ठीक है, तो आप लोगों के डाउट्स एक एक करके चलते हैं। फर्स्ट फेज से ऑनवर्ड्स उनको डाउट्स आ रहे हैं। भाई अभी भी बच्चे आ रहे हैं, 2 मिनट। ओके, अच्छा मैंने इसमें कुछ थ्योरी के क्वेश्चन थोड़े से डाले हैं इस बार, उसकी वजह से भी थोड़ा टाइम लगा क्योंकि उतनी टाइपिंग और बढ़ गई। बाकी मैंने फिर भी डालने की कोशिश की थ्योरी के क्वेश्चंस भी इस बार। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। हाँ क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल कौन सा बता रहे हैं? एग्जाम्पल 12, ये वाला 12 की कोई आगे 12 है? भाई मुझे पेज नंबर से बताइए जरा फटाफट क्वेश्चंस, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे डाउट्स क्या क्या आप बताएं, जब जो बता रहे थे जो लोग। सर एग्जाम्पल 21 खोलें। एग्जाम्पल 21, अच्छा चलो ठीक है, मैं ओपन कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं तुसी कहाँ पर रुकते हैं। तो एग्जाम्पल 21 ये इधर आ गया थे, 20 और ये 21। 21 कह रहा है ए बी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयर रेशियो 3:2 है, उनकी बुक्स में दिखाया गया है गुडविल, गुडविल 25,000 से पहले से। प्लीज चेक बैलेंस शीट एंड अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैपिटल अकाउंट एग्जाम्पल 25 ऑल्सो। ठीक है, 25 में भी आते हैं, एग्जाम्पल 25 दो लोगों ने भेजा। ठीक है 21, तो हमारे पास यहाँ पे गुडविल पहले से 25,000 से, C 1/4 शेयर के लिए आया है प्रॉफिट के लिए, और वो 1,20,000 कैपिटल के लिए आ रहा है, बट गुडविल के लिए एक भी पैसा कैश भी नहीं ला रहा, और उसका गुडविल का शेयर है 30,000। ठीक है, 30,000 का उसका गुडविल का शेयर है, 1/4 शेयर के लिए आ रहा है वो, 1,20,000 कैपिटल के लिए आ रहा है 25,000 से पहले से। ओ अच्छा, ये मैंने ठीक नहीं किया है क्या पहले सर तो? पहले 25,000 गुडविल को बांटेंगे सर पुराने हाँ सात यार, हजारों में। हाँ ये बात तो सही कह रहे हो तुम, तो समझदारी वाली बात है। तो इसमें मैंने गुडविल को क्लोज करने की एंट्री नहीं की है। अच्छा, मैंने गुडविल को क्लोज ही नहीं किया है। हाँ ओहो, तो ये तो मिस्टेक है, दिस इज अ मिस्टेक इन दी सॉल्यूशन 21। हाँ 25,000 से उनकी पुस्तकें पहले से विद्यमान थी, तो यहाँ पे मैंने पहले तो मुझे गुडविल को क्लोज करना है, ये बिल्कुल गुडविल को क्लोज करना ही है, सवाल ही नहीं उठता, गुडविल को क्लोज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारी एंट्री हो जाएगी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, पार्टनर्स पुराने पूरे रेशियो में क्लोज होता है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल, गुडविल जब भी क्लोज करते हैं तो ऑल रेशो में करते हैं, गुडविल क्लोज्ड ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमने पुराने रेशियो में हम उसको गुडविल को क्लोज कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा, तो गुडविल कितने की है हमारी पुरानी, 25,000 की गुडविल है, 3:2 में क्लोज हो जाएगी। ठीक है, ये अपना सही है, 3:2 का मतलब हो गया 15,000 और 10,000, और ये गुडविल 25,000, ये हमारी क्लोज हो रही है। जब पार्टनर हाफ ऑफ गुडविल विड्रॉ करते हैं तो उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो देते हैं। जितना जितना मिला है उतना उतना आधा, जो आपने बांटा है वो तो सैक्रिफाइसिंग ही बांटा है ना, तो फिर वो जितना जितना मिला उसका ही आधा, तो ये 25,000, तो ये एंट्री किसके अंदर होगी हमारी। ठीक है, ये एक एंट्री होगी इसके अंदर, और फिर उसके बाद में 1,20,000 जो लाया है वो एंट्री हो गई, और जो नहीं लाया है वो उसने उसके करंट अकाउंट से लिया, हिंदी में करंट अकाउंट से सर, सीज करंट अकाउंट, सी के करंट अकाउंट से लेंगे और ए और बी को बांट देंगे, तो ये वाली एंट्रीज इसके अंदर होगी। जैसे यहाँ पर हिंदी में चालू खाता लिखा है उस पर नहीं लिखा इसको, तो ये करंट अकाउंट से हम इसको ले लेंगे। ठीक है,
ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, और बताइए, ये एक तो एग्जांपल ये हो गया, और उसके अलावा सर 14 है, एक एग्जांपल 25 की बात चल रही थी। ठीक है, ट्वेंटी फाइव एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें कुछ गलती है, इसमें इसके अंदर मैसेज में मुझे चैट में बोला गया है क्या करना है। चेक बैलेंस शीट एंड अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैपिटल अकाउंट एग्जाम्पल 25। ये बैलेंस शीट के टोटली में कुछ मिस्टेक है क्या? 78 केस में मिस्टेक है। किसमें? केस में सर, न्यू बैलेंस शीट के केस में। नहीं मैं क्या मतलब, मैं समझ ही नहीं पा रहा क्या कर रहा है। जो आप न्यू बैलेंस शीट के केस में मिस्टेक है। अच्छा, सॉल्यूशन जो दिया है उसके अंदर। ओके यस, ये वाला, इसके अंदर ये अमाउंट गलती है। तो यस सर, 4,12,000 आएगा यहाँ पे, 4,12,000 आएगा। अच्छा, के 2.5 लाख रुपए ये लाया और 1.5 लाख रुपए, तो 4 लाख रुपए तो ये लेके आया और 12,000 पहले से। ओके, तो ये अमाउंट हमारा 4,12,000 हो गया। तो मैंने इसके अंदर गलती, अच्छा मैंने क्या किया, इसको गुडविल ऑफ द फर्म ले लिया सर, एंड एज शेयर ऑफ गुडविल है, ये उसका शेयर है, मैंने यहाँ पे उसको गुडविल ऑफ द फर्म ले लिया होगा, फर्म की गुडविल। तो ये इसीलिए ख्याति का प्रतिफल यहाँ पे 50-60 हजार ही बचता। और ये किससे लिया उसने, नया रेशो 3:1, सारा का सारा वो जो है अमर से ले रहा है, अमर से ले रहा है, तो अमर को मिलेगा पूरा गुडविल। ठीक है, तो ये अमाउंट 1,50,000 का 90,000 से ये मैंने बढ़ा दिया, तो यहाँ पे ये भी अमाउंट चेंज हो जाएगा 4,72,074। ठीक है, तो ये भी बैलेंस शीट में चेंज आएगा 474, क्योंकि सब इफेक्ट तो दोनों साइड आएगा, तो ये भी 90,000 से बढ़ जाएगा टोटल पे, ये बढ़ गया, ये भी बढ़ जाएगा। ठीक है, 90,000 से ये टोटल भी बढ़ जाएगा हमारा। और कैश आपने कहा 4,12,000, 90,000 से कैश भी बढ़ गया हमारा। यही चीज कहना चाह रहे थे कि और कोई गलती भी थी इसके अंदर? किसी की आवाज ही नहीं निकल रही है, मैं बंद कर देता हूँ भाई, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा। यस सर, बस ये पूछ रहा हूँ ना, कोई तो बोलो क्लास के। ये बढ़ गया तो टोटल बढ़ जाएगा, ठीक ये कर रहे। एग्जाम्पल 25 को मैंने आपके कहने पर ठीक कर दिया, जो एक गलती थी। ठीक है, अब बताइए और कोई एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 14, हाँ 40 तो होगा नहीं, 14 वापस। हाँ बताओ, इस एग्जांपल में क्या है? सेकंड हैंड भी समझ नहीं आ रही, नीचे की भी सोच।
सेकेंड एंट्री ये जो 1 लाख रुपए को एस और आर में बराबर बराबर बांटा ऐसा, नहीं क्या समझ में नहीं आया, यही नहीं समझ में आया ना। ये वाली एंट्री, ये जो लाया मशीनरी कैश, ये वाली समझ में नहीं आई कि ये वाली एंट्री नहीं समझ में आई, ये बताओ, दोनों नहीं समझ में आई? नहीं तो म्यूट हो, म्यूटेड हो तो डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। चलो मैं बता देता हूँ इसमें क्वेश्चन में क्या है, फिर कुछ होगा तो पूछ ले। एसआरआर पार्टनर्स है, 3:2 में बांटते हैं, क्यों आया फर्म में 1/5 सर, 15 क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 में सर, 15 में 15 है, ये है 15 क्वेश्चन। हाँ ठीक है, पर जो एंट्री है सेकंड वाली को इसका गेनिंग सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा ना, गेनिंग सैक्रिफाइस कितना आ रहा है, 2:1 आ रहा है ना, 2/5 1/5, तो ये जो गुडविल लाया है ये 2:1 में बांट देंगे। अब ये क्या होता है, देखो एक चीज और इसके अंदर छोटा सा पॉइंट जो मैं बता देता हूँ आपको, एक चीज जो है, अगर अगर इसके अंदर फर्म की गुडविल दी होती, यहाँ पे अगर जो है हमको वो दी होती, क्या कहते हैं, फर्म की गुडविल, फर्म की गुडविल दी होती, फर्म की, तो हम क्या करते हैं पता है, हम ये करते हैं कि ये जो अमाउंट है 2/5 1/5, मान लो फर्म की गुडविल 5 लाख रुपए दी होती, तो ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/5, तो 5 लाख का 2/5 निकालते तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रो मिलता, और 5 लाख का 1/5 निकालते तो 1 लाख रुपए वाई को मिलता। लेकिन यहाँ पर अगर डायरेक्टली नए पार्टनर का भाग बांटना है, नए पार्टनर का गुडविल का हिस्सा जो शेयर है वो बांटना है, तो हम डायरेक्टली ये 2:1 में बांट, 2/5 1/5 नहीं लेंगे क्योंकि बांटना ही इन दोनों में है, तो ये रेशियो हो जाएगा 2:1, तो मतलब हो जाएगा 2 और 1 लेना है, उसमें 5 नहीं लेना, 2:1 में बांटेंगे, 2 को तो बांटना है, तो यहाँ पर वो 1.5 लाख रुपए लाया है, तो 1.5 लाख को हमें 2 और 1 में बांटना है, 2:1 में, मतलब 2/3 हिस्सा एक्स को और 1/3 हिस्सा वाई, इसका 1,50,000 का हम 2/5 1,50,000 का हम 1/5 नहीं निकालेंगे, 1 लाख हम डायरेक्टली 1.5 लाख को इनके 2 और 1 में बांट देंगे, दैट इज हाउ इट इज टू बी डन। यदि फर्म की गुडविल नहीं होती है तो जो गेनिंग पार्टनर होता है तो उसका हिस्सा निकाल देते हैं, फिर दोनों में बांट देंगे, बस जब गेनिंग पार्टनर का शेयर दिया है तो 2 ही में बांटना है डायरेक्टली, अगर पूरे फर्म की, यस सर, ये जो सैक्रिफाइस आया है ये पूरे फर्म के हिसाब से आया, जो पूरे फर्म का रेशियो है उस पूरे फर्म के रेशियो में 2/5 एक सैक्रिफाइस कर रहा है 1/5 पूरे फर्म का। लेकिन अगर सिर्फ इसी पार्टनर का देखें, देखो इसका कितना रहा है 3/5, तो ये इसका जो 3/5 हिस्सा, ये जो 3 है इसमें से 2 हिस्सा एक्स को जा रहा है और इसमें से 1 हिस्सा वाई को जा रहा है, तो ये 3/5 के लिए जो 1.5 लाख रुपया लाया वो 2 और 1 में बढ़ जाएगा, ऐसा 1 लाख और कोई डाउट है इसके अंदर, यही पूछना था कि और कुछ पूछना था, मैं समझ नहीं पा रहा था तुम्हारा क्वेश्चन, यही पूछना था। और बताइए एग्जांपल में, किसी और एग्जांपल में कुछ पूछना है, सर अब क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज के, ये वाला क्वेश्चन एक्स और वाई वाला, यस सर, इसमें पहली गलती सर वो हो गया है, जेड की जगह पे सी लिख दिए हैं, क्या कह रहे हो, यस सर, जेड की जगह सी, जेड की जगह पे सी लिख दिए हैं सर, और सर हिंदी में, हाँ
ठीक सर, इसको बता दीजिए। अब देखिए इसमें एक्स और वाई पार्टनर से, हाँ सर, हिंदी में 1/4 लिख दिया सर आपने, 1/5 आएगा तो जो जेड शेयर ले रहा है। एक्स और वाई पार्टनर से बराबर बराबर बांटते हैं और 1/5 भाग के लिए जेड आया है। एक्स वाई जेड का नया लाभ जो है अनुपात जो है 3:1:1 है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आपको ये भी दिया है कि नया पार्टनर का कितना शेयर है और ये भी दिया है कि नया रेशियो भी क्या है, नया रेशियो भी दिया हुआ 3:1:1 और ये भी दिया हुआ है। जेड पूंजी के लिए 7 लाख रुपए लाता और ख्याति के लिए 1 लाख, ख्याति के भाग के लिए 1 लाख लाता। तो आप पहले तो इसके अंदर आप लोग गेनिंग सैक्रिफाइस निकालिए। सर इसमें एक्स भी गेनिंग कर रहा है और जेड भी। यस सर। हाँ तो अब एक्स गेन कर रहा है, अब यहाँ पे हाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके अलग से बताता हूँ, एक सेकंड जस्ट ठीक है। अब इसमें ले रहे हैं एक्स और वाई, अच्छा यहाँ पे 1/5 होगा, ठीक। अब आप थोड़ा सा देखिए कहीं कोई डाउट आएगा अपन डिस्कस करते हैं। देखिए एक्स और वाई का रेशियो है बराबर बराबर, तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं एक्स वाई, फॉर्मेट ऊपर से ले लिया मैंने जिससे कि सेटिंग का टाइम इसका बच जाए। इनका रेशियो बराबर है तो मतलब दो पार्टनर्स हैं पहले तो 1/2 और इसका रेशियो जाएगा 1/2। नया अनुपात क्या है 3:1:1 3/5, ये इसका नया रेशियो हो गया 3/5 और ये 1/5 1/2 और ये 3/5, ठीक है। अब इसको करेंगे 5 × 10 ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 5 × 3 3 × 6, ठीक है। एंड देन दिस इज 3/10 आएगा और वो हमारा हो जाएगा 6/10। सर 5/10 होगा ना सर? 5/ कैसे 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 सर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो मतलब 10 होगा भाई, ये 5 10 इधर आ गया तो अब ये जो है अपना ये 2 से इधर मल्टीप्लाई होगा ना, 5 × 2 = 10 एंड 3 × 2 = 6। सर 5 - 6 सर 5 - 6 / 10 यस सर। देखिए मैं या तो गड़बड़ कर, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे और सर ठीक है -1/10 है 1/2 - 3/5 एलसीएम आ गया 10 तो ये 5 × 6 5 - 6 / 10 इसमें टाइपिंग में मैं कंफ्यूज हो गया, 5 - 6 तो आपका आंसर आएगा -1/10 ये आएगा आपका गेन। ठीक है इज दैट ओके? यस सर। ये आ जाएगा 1/2 5/10 और ये आएगा 5/10 बराबर बराबर, आधा हिस्सा तो 5/10 ही होगा यार, मैं ही करता हूँ। हाँ ठीक है एंड देन इट इज या 1/5 सर 2/10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/10 बराबर, तो ये आ जाएगा आपका 3/10 ये कम हो रहा है तो ये सैक्रिफाइस है, ठीक। और ये जो है इसको 1/5 तो इसको गेन ही हो रहा है। अब आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो नया पार्टनर है वो तो ले लिया आपने, नया पार्टनर क्या ला रहा है, नया पार्टनर यहाँ पर
7 लाख रुपए कैपिटल के और 1 लाख रुपए गुडविल के ला रहा है। लेकिन लेकिन गुडविल का 1 लाख में से वो सिर्फ 40,000 ला पा रहा है, बाकी नहीं ला रहा, और 7 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है। बहुत अच्छी बात। तो यहाँ पे जो पहले मेरी एंट्री हो जाएगी, सबसे पहले पुराने गुडविल तो कुछ है नहीं, तो इस एंट्री को हटा ही देता हूँ ना मैं, डिलीट करता हूँ उसको। टाइम कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, जेड्स कैपिटल, जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल, कैपिटल एंड गुडविल ब्रॉट इन बाय Z, तो Z लेकर आया अपनी कैपिटल के 7 लाख रुपए, 7 लाख कैपिटल, 40,000 गुडविल, 40,000 गुडविल। तो ये 7 लाख कैपिटल और 40,000 गुडविल, ये अमाउंट कितना लाया? 7,40,000। ये तो हो गया। अब Z जितना लाया है वो ठीक है, जो नहीं लाया वो उसके करंट अकाउंट से लेना पड़ेगा। तो Z करंट अकाउंट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रीमियम फॉर गुडविल। आ जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल, यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा 60,000, नहीं उल्टा लाया 40 लाया 60,000, ऊपर आएगा 60 और नीचे आएगा 40। तो और ये किसको मिलेगा पूरा का पूरा? ये मिल रहा है सैक्रिफाइस किसको? वाई को। वाई, ये पूरा पूरा पैसा जो है वाई को जाएगा, ये वाई कैपिटल में आ जाएगा। वन ये यहाँ डेबिट करेंगे ना, एक सेकंड रुक गया, यहाँ तक तो हमारी हो गई है Z। क्या ये इसके अंदर किसी को डाउट है? ये Z से जो हमें गुडविल लेनी थी, Z जितना पैसा लाया वो उसके करंट उससे ले लिया प्रीमियम से, जो नहीं लाया उसके करंट अकाउंट से। तो ये एंट्री तो हमारी हो गई है Z से, मतलब जो पैसा Z से लेना था, इसके अंदर तो किसी को डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, अब हमें दूसरा जो गेनिंग है वो एक्स भी गेनिंग है, 1/10 हिस्से के लिए एक्स गेन कर रहा है। X कितनी लाएगा? X का हिस्सा तो दिया नहीं है, तो अब आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा गुडविल ऑफ द फर्म। एक कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी है, कैसे निकालोगे आप? वो ऐसे निकालेंगे आप कि Z कितना, Z का शेयर कितना बन रहा है गुडविल का? 1 लाख रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए बन रहा है। 1 लाख रुपए कितने हिस्से के लिए बन रहा है? 1/5 रेसिप्रोकल करके भाई आपको ये एक सिंपल सा रेशियो में भी मैंने समझाया था, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। 1/5 मतलब ये आपको दिया गया, ये 1/5 मान लो, ये बराबर बराबर, ये बराबर नहीं है लेकिन आप मान लीजिए, मैं कर ही देता हूँ बराबर। इससे x की गुडविल निकाल लूंगी नेचुरली। ये 5 हिस्से हैं, अब मैं आपको बोलता हूँ ये एक हिस्सा 1 लाख है, तो 5 पूरा कितना होगा? तो उसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 लाख, 5 लाख तो उल्टा हो गया, 5 लाख हो गया, बस यही चीज। तो ये 5 लाख आ गया। अब 5 लाख में शेयर उसका कितना है गेनिंग, उसको कितनी गुडविल देनी है एक्स को? 1 लाख से। 1 लाख एक्स विल कंपनसेट टू जेड, एक्स कितना एक्स को, जेड को कंपनसेट देगा, दैट इज उसको कितना मिला है फर्म की गुडविल का 5 लाख का, 1/10 50,000 रुपए। ठीक है, 5 लाख का 1/10 जो है बराबर है, सही है? Yes. तो x से 50,000 लेना, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, x जो पुराना पार्टनर है तो उसके लिए हमें उसको नगद लाने की जरूरत नहीं है, वो हम x की कैपिटल से ले लेंगे।
ये गेन है कि क्या है सैक्रिफाइस है, ये गेन है, हाँ गेन है, ठीक है बराबर। तो एक्स की गुडविल से हम 50,000 रुपए ले लेंगे। कैसे निकाला हमने, 5,00,000 का 10% 50,000, और ये पैसा भी वाई को मिल जाएगा, एक्स से लेकर वाई में जोड़ दिया, वाई को 1,00,000 रुपए पहले जेड से मिल रहा था और 50,000 रुपए एक्स से मिल। ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना, तो एक्स की कैपिटल डेबिट करेंगे, पुराना पार्टनर को गेन कर रहा है, जो नया पार्टनर ला रहा है उस पैसे से प्रीमियम डेबिट करेंगे, और जो नया पार्टनर जो है करंट अकाउंट का है तो करंट अकाउंट, ऐसे हो। क्लियर है ये? यस सर। जैसे फर्म की टोटल गुडविल 5,00,000 में गुडविल भी रहती पैसे, और जो फर्म जो अपन पार्टनर, एक बार फिर से बोलिए क्वेश्चन में, गुडविल भी रहती है ऑलरेडी फर्म की, जो अपन पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स में बांटते हैं वो कैसी गुडविल रहती है? करंट वो पहले कभी पार्टनर से गुडविल अकाउंट ओपन की होगी किसी काम से, उसको बंद करना है बस, कुछ नहीं करना। पहले कभी किसी काम से पार्टनर से गुडविल अकाउंट को ओपन किया होगा, अभी उसको हम बंद कर, ये रहता है। और कोई चीज सर, यदि गुडविल दिया है और कैपिटल नहीं दिया है तो केवल गुडविल का एंट्री करेंगे ना? हाँ, जो भी लाया नगद तो उसकी एंट्री, गुडविल की एंट्री तो होगी होगी, नहीं लाएगा तो फिर करंट अकाउंट से लेते हैं, कैपिटल लाएगा तो करेंगे, नहीं लाएगा तो नहीं करेंगे। यस, कैपिटल तो लाता ही होगा वो, नेचुरली उसको पार्टनर बनाए किसी, अब नहीं, ऐसा हो सकता है कि हमने किसी को वर्किंग पार्टनर बनाया हो, भाई वो पैसा नहीं लगा सकता लेकिन काम अच्छा है, उसका हुनर है, तो हमने उसको इसलिए पार्टनर बनाया कि भाई तू आ जा, तू पैसे मत लाना, चल ऐसा सब। हम वर्किंग पार्टनर बना सकते हैं किसी को और उसके अंदर वो कैपिटल नहीं लाएगा, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा संभव है, तो कैपिटल की एंट्री नहीं होगी, बिल्कुल संभव। ओके सर, और बताइए सर, पूर्वदत्त व्यय के लिए प्रावधान कौन से हुआ उसमें आया था रिवॉल्यूशन अकाउंट में? एक बार फिर से बोलो, पूर्वदत्त व्यय का प्रावधान करना है सर, पूर्वदत्त प्रीपेड एक्सपेंसेस। हाँ सर, रिवॉल्यूशन अकाउंट में कौन सी सेट आएगा? आवाज साफ नहीं आ रही है। रिवॉल्यूशन अकाउंट में सर भाई, पूर्वदत्त व्यय क्या एसेट है कि लायबिलिटी है? सर 23वां क्वेश्चन है। अरे नहीं, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट है कि लायबिलिटी है? वो आपके लिए, आपने एडवांस किसी को दे रखा है तो आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी? एसेट, एसेट है ना, एसेट है तो एसेट के तो ट्रीट कर दो उसको, और क्या है, एसेट आ रही तो एसेट किधर लिखते हैं रिवॉल्यूशन का। ओके सर, एसेट अपन रिवॉल्यूशन अकाउंट में जैसा ट्रीट करते हैं, अपन ने एडवांस दे दिया किसी को पैसा तो हमारी एसेट है ना, हमको उसके बदले उससे काम मिलना है, तो एसेट है, इसीलिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाई मैंने, और एसेट आ रही है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर एसेट तो क्रेडिट होती है, क्रेडिट एसेट बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो मैंने पहले भी दी हुई है रिवॉल्यूशन के शीट के अंदर भी, इसमें के बहुत क्वेश्चन थे प्रीपेड के। और पूछिए आप, क्वेश्चन कराए थे वो क्या चीज, अभी जो क्वेश्चन कराए थे वो ओपन कर, वो 12th वाला क्वेश्चन था, ये वाला। यस सर, इसमें एक्स को पूरी टोटल कैपिटल 50,000 मिल रही है कि मतलब गुडविल 50,000 बस मिल रही है ना पूरी फर्म? एक्स को 50,000 रुपए देने हैं, एक्स को जो जितना फायदा हो रहा है, एक्स को गेन तो 1/10 हिस्से का हो रहा है ना, तो फर्म की गुडविल का वो 1/10 ही देगा ना सर, मतलब उसको टोटल गुडविल 50,000 बस मिलेगी, 5,00,000 नहीं। गेन का क्या मतलब है? गेन का मतलब है कि जो एक्स को पहले मिल रहा था गुडविल जो एक्स की थी वो तो है, ये एडमिशन होने पर उसको रेशियो और बढ़ गया उसका, अब उसको 50,000 रुपए उसकी गुडविल और बढ़ गई और वाई की गुडविल कम हो गई, जिसमें से Y का 1,00,000 रुपए की गुडविल उसको Z से लेनी है, 50,000 की गुडविल Y को X से लेनी है। yes. ये मतलब
उसको पूरा मिला है 3 लाख का सर। और वाई जेड को टोटल डेढ़ लाख चाहिए, गुडविल के मिल रहे हैं डेढ़ लाख सर, उसको चाहिए। हाँ जी सर, वाई को सर 3y10 के लिए 1.5 लाख चाहिए। वाई को 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं ना गुडविल के, 1 लाख रुपए एक्स से मिल रहा है, 50,000 एक्स से मिल रहा है। ठीक है, यस सर। हाँ निखिल एसेट होती है। और कोई क्वेश्चन है किसी को? सर न्यू पार्टनर कैपिटल भी नहीं ला रहा और केस में गुडविल शेयर भी नहीं ला रहा, सर उसकी तो लाना पड़ेगा नया पार्टनर को, ना गुडविल ला रहा है ना कैपिटल ला रहा है, तो आ किस ले रहा है? चलो वर्किंग पार्टनर है मान लीजिए, तो ठीक है पार्टनर ने जैसा आपस में एग्रीमेंट किया होगा, गुडविल तो बनती है नए पार्टनर की, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो चाहे वो एक्टिव पार्टनर हो या जो भी है, तो उसकी सर वो केस में नहीं ला रहा गुडविल प्रीमियम, तो करंट अकाउंट से डेबिट करेंगे ना। अभी तो किया अपन ने क्वेश्चन, सर उसकी पहले वाली मैसेज दिया सच्ची करेंगे ना, क्या चीज सर उसकी पहले वाली एंट्री नहीं होगी ना कैश अकाउंट डेबिट वाली? नहीं कुछ भी नहीं लाया कैश में, तो कैश की एंट्री क्यों होगी? ओनली करंट अकाउंट की करके बन, बस जो करंट अकाउंट से गुडविल का लेके दे देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यस सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, अब ये शीट कुछ बच्चों ने खत्म कर दी है, कुछ की बची हुई है, तो आप इसको कर लीजिए, तो फिर आगे हम रिटायरमेंट में चलते हैं फटाफट। ठीक है, yes, sir. Yes, sir.